Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. Now, in the previous session, we have discussed about the types of respiration and breathing overview. Okay, now we will discuss about the various pathways of breakdown of glucose, which comes under respiration. The first, what we talked about, that respiration is basically when the food is oxidized in the presence of oxygen and gives you energy. But breathing is that you have taken in air and exhale out carbon dioxide. Okay, now, but how this is being converted into energy is basically your respiration part. So we have chosen glucose over here because हमें पता है कि glucose breakdown कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो respiration में हम क्या use कर रहे हैं? Glucose. तो ग्लूकोज इज अ सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल. ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6. ओके, ना अब वो ब्रेक होएगा साइटोप्लाज्म में, मतलब सेल के अंदर जो वाटर लिक्विड कंटेंट होता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं. उसमें वो ब्रेक डाउन होएगा, पाइरूवेट देगा. पाइरूवेट क्या है? आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल है जो आपको एनर्जी भी देगा साथ में, मतलब ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म ब्रेक करेगा, पाइरूवेट देगा. पाइरूवेट आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल है जो आपको साथ में एनर्जी देगा. ओके, अब ये पाइरूवेट 3 तरह से ब्रेक हो जाएगा, आइदर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, नेक्स्ट इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, और नेक्स्ट इज योर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. मींस पाइरूवेट डिपेंड करता है वो कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होती हैं, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन आती हैं. लाइक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स कि ऑक्सीजन है ही नहीं. लैक ऑफ ऑक्सीजन मीन्स कि थोड़ी बहुत ऑक्सीजन है बट जितनी चाहिए ब्रेक डाउन करने के लिए उतनी अवेलेबल नहीं है. प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल है, वो प्रॉपरली फूड ब्रेक डाउन कर रहा है. अब जैसे ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ पे आपके पास इथेनॉल फॉर्म होता है, ऑक्सीजन की कमी है मसल्स टिश्यू में होता है, वहाँ पे आपके पास लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है और एनर्जी निकलती है. दोनों ही केसेस में एनर्जी कम रिलीज होगी. ओके, बट जहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कंटेंट में अवेलेबल है एंड प्रॉपरली फूड ब्रेक डाउन हो रहा है, पाइरूवेट ब्रेक डाउन हो रहा है, वहाँ पर हमारे पास CO2 मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, वाटर मिल रहा है और एनर्जी मिल रहा है. ओके, ये जस्ट एक ओवरव्यू है, अभी हम इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. ओके, ठीक है. नाउ ये हमने पढ़ लिया. नेक्स्ट इज योर, अब हमने पढ़ा कि या तो फूड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो रहा है, या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक हो रहा है. तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 2 तरह की रेस्पिरेशन होती हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन. कितनी तरह की रेस्पिरेशन है? एरोबिक एंड एनारोबिक. एरोबिक मीन्स एओ, कि जहाँ पे ऑक्सीजन कंटेंट ईजिली अवेलेबल है एंड एक्सेस अमाउंट में अवेलेबल है, कोई कमी नहीं है ऑक्सीजन की. ठीक है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था आपका, जहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिल जाए. ठीक है, बट एनारोबिक मीन्स जहाँ पे एयर नहीं है, वहाँ पे एयर की कमी है. तो दिस इज योर एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो लैक ऑफ ऑक्सीजन है या फिर ऑक्सीजन है ही नहीं. नाउ जस्ट सी डेफिनेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. व्हेन ऑक्सीजन इज यूज फॉर रेस्पिरेशन, जहाँ पर ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं हम रेस्पिरेशन के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, द ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. सी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. जब भी फूड प्रॉपरली ब्रेक डाउन होगा तो वो आपको एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा, दैट इज 38 ATP. ATP क्या था? आपका एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. कहाँ पे फॉर्म होती थी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फॉर्म होती थी. ठीक है, तो ATP स्टैंड फॉर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ओके, नाउ अब एरोबिक रेस्पिरेशन में 2 स्टेप्स आते हैं, या तो दो स्टेप्स हैं. फर्स्ट इज ग्लाइकोलाइसिस जो कि साइटोप्लाज्म में होता है, सेकेंड इज अ क्रेब्स साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. ओके, नाउ सी, ग्लूकोज है, 1 मॉलिक्यूल है, मतलब C6H12O6 है. ग्लाइकोलाइसिस क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है. ठीक है, कहाँ पे हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है. क्या दे रहा है आपको? पाइरूवेट, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल था. अब ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल था बट पाइरूवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, मीन्स 3 कार्बन रह गए ना, बैलेंस नहीं हुए. दैट्स वाई यहाँ पे पाइरूवेट के 2 मॉलिक्यूल जनरेट हो गए.
तीन तीन के थ्री वन पायरोवेट एंड वन पायरोवेट, दो पायरोवेट जनरेट हो गए तो कार्बन आपका बैलेंस हो जाएगा। अब क्या होगा कि पायरोवेट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टूटेगा तो वहाँ पे क्रेब्स साइकिल होगी एंड वो क्या देगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी, 38 ATP मॉलिक्यूल्स देगा वो आपको। क्लियर है यहाँ तक? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ इट इज नाउ द फर्स्ट प्रोसेस इज योर ग्लाइकोलाइसिस। ये कॉमन है सबके लिए, एरोबिक हो या एनारोबिक हो, बिकॉज अभी हमने इंट्रोडक्टरी पाथवे में पढ़ा था कि सबसे पहले ग्लूकोज टूटेगा एंड देन वो पायरोवेट देगा। पायरोवेट डिपेंड करता है वो कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ग्लाइकोलिसिस वाला पाथवे दोनों के लिए सेम है, एरोबिक के लिए भी और एनारोबिक के लिए भी। ओके सो अब दो पायरोविक एसिड बने, मतलब पायरोवेट बन गए, फॉर्म हो गए। अब क्या होगा, ये दो ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट करेंगे एंड 4 ATP मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म। ओके दैट इज बेसिकली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, कि दो ATP मॉलिक्यूल यूज हो जाएंगे और 4 ATP मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो गए आपके। अब ये दोनों ATP मॉलिक्यूल्स का गेन हो गया ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे, सो ईच मॉलिक्यूल ने कितना गेन किया, दो ATP मॉलिक्यूल्स गेन कर लिए। अब यहाँ पे क्या आता है, आपके पास जैसे ATP होता है ऐसे हमारे पास दूसरी एनर्जी करेंसी होती है NADPH, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। NADPH दो ये फॉर्म होंगे, इनको मिला के हमारे पास क्या होते हैं, टोटल 38 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं। ओके जस्ट एक इंट्रोडक्टरी पाथवे आपका, ये एग्जैक्ट साइकिल्स नहीं है आपको, आपके लेवल क्लास टेंथ में इतना ही है आपका अभी। नाउ नेक्स्ट आपको पायरोवेट ब्रेक हो गया था, पायरोवेट आ गया था, अब पायरोवेट ऑक्सीडाइज होगा, कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होगा, CO2 एंड वाटर देगा, और जिसमें हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रैप हो जाएगी 30 ATP के फॉर्म में। अब हर एक पायरोवेट मॉलिक्यूल क्या देगा, 15 ATP देगा, एंड 15 ATP एक ने दिए तो दो ने कितने दिए, 30, दैट्स व्हाई इट इज 30 ATP मॉलिक्यूल। आई होप व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन ये आपको क्लियर है। ओके नाउ नेक्स्ट वी विल सी एनारोबिक रेस्पिरेशन। नाउ व्हाट इज एनारोबिक, एनारोबिक मीन्स जिसमें एयर अवेलेबल नहीं है, मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है ये नहीं है। व्हेन फूड इज ऑक्सीडाइज विदाउट यूजिंग मॉलिकुलर ऑक्सीजन द रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके नाउ इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, वहाँ पर प्रॉपरली फूड का ब्रेकडाउन नहीं होता। नाउ इन कंपैरिजन टू एरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पे कंपेयर क्या कर रहे हैं कि हमारे पास प्रॉपर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं है, मीन्स प्रॉपर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली एरोबिक में 38 ATP जनरेट हो रहे थे, यहाँ पे एनर्जी कम जनरेट होगी एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। इट ऑल्सो इंक्लूड्स ग्लाइकोलिसिस सबके लिए कॉमन था, एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो। ओके नाउ अब एनारोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है आपका, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल है जो ग्लूकोज का, वो डिग्रेड होगा दो के अंदर एंड वो दो पायरोविक एसिड बनाएगा, मतलब पायरोवेट बनाएगा एंड दो ATPs बनाएगा। अब ये पायरोविक एसिड अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है, टूट रहा है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जो कि ईस्ट के अंदर था, ईस्ट स्पेशली आपको खमीर उठाने में यूज़ होता, जो बेकरी में यूज़ किया जाता है, ठीक है, वहाँ पे इथाइल अल्कोहल बना या फिर इथेनॉल बना, ठीक, इथेनॉल बना तो क्या होगा अल्टीमेटली, वो फ्लफी बनेगा, या अगर ऑक्सीजन है बट कम है तो वहाँ पे क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। सी ग्लूकोज है, ग्लाइकोलिसिस हुआ, पायरोवेट में कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीजन नहीं था तो वहाँ पे क्या बन गया, ईस्ट। तो प्रोडक्ट में क्या ऑक्सीजन नहीं था, कहाँ पे, एग्जांपल आपका ईस्ट, क्या बना आपका, इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी, कितने ATP जनरेट हुए, दो, एरोबिक रेस्पिरेशन से कम है। ओके नाउ अब हम देख रहे हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा, फर्मेंटेशन हो जाएगी। फर्मेंटेशन क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी में ब्रेक डाउन हो रहा है। फर्मेंटेशन इज डिफाइंड एज एनारोबिक ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू अल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड गैसेस एक्सेट्रा। एग्जाम्पल आपका ईस्ट, अभी आपने जो पीछे रिएक्शन में देखा था,
Yeast and certain bacteria utilize substances present outside the cells as respiratory substrate, oxidize it to ethanol and carbon dioxide without utilizing oxygen. See, without utilizing oxygen. Okay? In certain bacteria and parasitic form, example कुछ और भी है आपका bacteria और parasitic forms, ascaris and tapeworm है आपका, जहाँ पे glucose metabolize मतलब breakdown तो होता है but वो lactic acid में convert होता है without the use of O2 and without the formation of CO2. Special case है आपका. See, pyruvic acid form हुआ, absence of oxygen है, glucose आपको ethanol दे रहा है या ethyl alcohol, C2H5OH ये आपका इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला है जिसको आप इथेनॉल भी बोलते हो, प्लस CO2 प्लस एनर्जी. यहाँ तक क्लियर होगा आई थिंक. नाउ नेक्स्ट इज एनरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस. फर्स्ट आपने पढ़ा व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ पे फूड प्रॉपरली ब्रेक डाउन हो रहा है. अब उसमें दो स्टेप आए थे, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल. ग्लाइकोलिसिस सबके लिए कॉमन था, एरोबिक और एनरोबिक दोनों के लिए कॉमन था. क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्लूकोज पायरुवेट या पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन हो रहा था. बट अब ये पायरुविक एसिड कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो रहा है. प्रेजेंस है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, वहाँ पे 38 ATPs आपकी जनरेट की जाएंगी. बट अगर एब्सेंस है मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, तो वहाँ पे इथाइल एल्कोहल दैट इज C2H5OH बनेगा. ये कहाँ पे होता है, ईस्ट के अंदर होता है या कुछ पैरासिटिक वॉर्म्स के अंदर होता है. बट यहाँ पे एनर्जी 280 होंगी आपकी. ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस. अब ह्यूमंस में क्या होता है कि कुछ टिश्यूज के अंदर रेस्पिरेशन होती है बट एनारोबिक हो रही है. क्या होता है, जब दीज मसल्स डू नॉट गेट सफिशियंट ऑक्सीजन, इनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती. लाइक आप रेगुलरली वर्क कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो या आप रेगुलरली रनिंग कर रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपकी मसल्स में पेन हो जाता है, लेग्स में पेन हो जाता है. क्यों? क्योंकि उन लेग्स वाले पार्ट को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिली, मसल्स को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिली, तो वहाँ पे फूड प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं हुआ. अब फूड प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं हुआ तो वहाँ पे क्या बना, लैक्टिक एसिड, जबकि क्या बनना चाहिए था, CO2 बनना चाहिए था, बट वो नहीं बना. दैट इज नोन एज लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस. This buildup of lactic acid in our muscles during sudden activity causes cramps. Okay, now glucose है, glycolysis हो गया, pyruvic acid form हो गया, यहाँ तक common है आपका. अब in the absence of oxygen ये बेटा यहाँ पे in the lack of oxygen है, means oxygen की कमी है, ख़त्म नहीं हुई oxygen, lack है यहाँ पे word. तो क्या देगा आपको, lactic acid formation देगा, energy होगी but बहुत कम होगी आपकी. Now next we will see difference between aerobic and anaerobic respiration. I hope आपको aerobic anaerobic respiration clear है. Anaerobic में दो parts हैं, absence of oxygen और lack of oxygen. Absence इसकी oxygen है ही नहीं, lack की oxygen है but कम है, जो आपको generally muscles में देखने को मिलता है. Now we will see the difference between aerobic and anaerobic respiration. First it takes place in the presence of oxygen. एनारोबिक में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन. सेकेंड पॉइंट इज के पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन ग्लाइकोलिसिस है, जो दोनों में कॉमन है, और क्रेब्स साइकिल आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में होगी. यहाँ पे पूरी रेस्पिरेशन आपकी साइटोप्लाज्म में होगी. कंप्लीट ऑक्सीडेशन फूड का होएगा एरोबिक में, यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होएगा फूड का. एरोबिक में 38 ATPs फॉर्म होएंगे एंड एनारोबिक में 2 ATPs फॉर्म होएंगे. एंड प्रोडक्ट्स आपका एरोबिक में CO2 है, H2O है, एंड एनारोबिक में इथाइल एल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड है. नाउ एरोबिक रेस्पिरेशन में इट अकर्स इन मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. वहाँ पे कुछ ही स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट, बैक्टीरियम एंड पैरासिटिक वॉर्म. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. प्लीज़ कॉपी द नोट्स एज गिवन इन द वीडियो. नाउ आई गिव यू सम क्वेश्चंस, प्लीज डू दैट. When oxygen is used for respiration, it is called dash. In anaerobic respiration, dash of food takes place. In human beings, anaerobic respiration occurs in dash tissues such as dash. Complete process of anaerobic respiration takes place in dash. You can use this box. Next is during glycolysis, glucose is converted to dash.
pyruvic acid molecules are taken to DASH where they are completely broken. Skeletal muscles when do not get sufficient oxygen and anaerobically metabolize glucose to DASH during vigorous exercise. Incomplete oxidation of food takes place during DASH. I hope this is clear. Please do this exercise, these questions and submit to me. That's all for today. Thank you.